हे गाइस, वेलकम बैक टू स्विच लीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं कियारी मिनाटी की न्यू वीडियो। यस, कैरी की वीडियो आ चुकी है फाइनली। ओके, डेली ब्लॉगर्स पैरोडी कियारी मिनाटी। ओ माय गॉड, आज तो भैया डेली ब्लॉगर्स की ना अच्छे से भाई अच्छे से उतरने वाली। ओके बहुत सारे फेमस जो डेली ब्लॉगर्स हैं उनकी आज अच्छे से बजने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्लॉक 381 जो को ये तो गाइस जस्ट अभी क्रिकेट खेल के वापस आ रहा हूं। भाई साहब आज का मैच तो बहुत ही एक्टिव था। एक छक्का रिकॉर्ड करने के लिए 10 रिटेक लेने पड़ गए, फिर बॉलर ने ऐसी बाउंसर डाली, हेलमेट वाला कैमरा भी टूट गया गाइस। और उससे पैसे लेने चाहिए नहीं, आप कमेंट करके बताओ। हाँ लिख देना, ऊपर से साइकिल चला चला के मेरी जांघें और खराब हो गई हैं और वो रिटायर भी नहीं हुआ। वैसे गाइस लगता है कोई और स्पोर्ट से कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। गाइस आप पीछे मेरी क्रिकेट किट भी देख सकते हैं, बहुत प्यार से ली थी मैंने, वो रिटायर नहीं हुआ। वो रिटायर हो जाता उसका क्या जाता, लेजेंड तो वैसे ही बने हुए हो। अब अगले साल फिर से साइकिल चलानी पड़ेगी। पर साइकिल चलाना चलेगा इस कंटेंट, साइकिल जरूर चलनी चाहिए, इसलिए आज हम जा रहे हैं मोनू के फ्यूनरल पे। चलो अभी हम नीतू के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। अरे यार नीतू, अरे आ रही हूं ना, पी 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 लगा रखा है। अरे भाग का रही है, सुन तो। इतनी देर कहाँ लगा दी? वो खुशा को ना उल्टी हो रही थी। क्या हुआ, तूने व्लॉग किया बता? वो तेरा कल वाला व्लॉग देख के तू उल्टी कर रही थी। बोटे तू ज्यादा बोलने लग रही है ना, एक घुसन मारूंगा ना तेरे। अरे घुसन, मेरे को घुसन मारा तो ये सब अपने व्लॉग में मत बोल बोटे, भूल गया पिछले बार जब मेरे वजह से थाने जाना पड़ गया था। अरे यार उस दिन तो सही के बर्थडे बम्स खाने पड़ गए थे। अब जा नाले, फिर भी तो जाना है। अरे एक चाय तो पिला दे यार। तो गाइस ऋतु हमेशा नखरे दिखाती है जब भी मैं उसको चाय के लिए बोलता हूँ, लेकिन बहुत प्यारी लड़की है, हमेशा मान जाती है। प्यारी लड़की से याद आया, ये देखो गाइस कंटेंट। कंटेंट ये कौन है? कुशु बेटा, पापा आम खा ले आपका। कुशु मूबा बोलो भैया, मूबा। पापा परेशान करना बंद कर दो, मैं बड़ी हो गई हूँ। कंटेंट से बड़ी हो गई है? हाँ। कुशु बोलो मूबा। ला ला ला, गुड गर्ल। तो गाइस बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पर पापा आपने तो मेरा पूरा चाइल्डहुड ही व्लॉग किया है, तो आपको तो पता चलता ही होगा ना। बहुत सही बच्चे, बहुत सही। गाइस बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं, लगता है तीसरा करना पड़े। नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, चाय। चाय का तो इतना शौक है ना इन्हें, क्या ही बताऊं गाइस। चाय का शौक कैसे नहीं होगा, तेरे पापा ने भी तो दहेज में छन्नियां दी थी, अब पिलाएगी? ऐसा मत कर। अरे चाय के कप में बैठा हुआ। चाय की प्याली ना हमें हमारे फैंस ने गिफ्ट की थी, तो गाइस ऐसे महंगे गिफ्ट हमें मत भेजा करो। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है उनको। मोटे तूने पिछले व्लॉग में खुद ही तो एड्रेस रिवील कर दिया था, 721 सेक्टर 8 नोएडा में रहते हम। तो मैंने इसलिए बतला था ना ताकि आप लोग हमें बर्थडे केक भेज सको। पर गाइस ऐसे ना महंगे गिफ्ट यहाँ मत भेजा करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ वो हमारे नागपुर वाले फ्लैट पे भेज देना, 321 गली 6 महिपाल कॉलोनी। तो गाइस मैं फ्यूनरल के लिए रेडी हो चुका हूं, अभी आपको जाके वहां पे गॉड ही या या ओ भाई गया। अरे यार हाँ झुकेंगे कैसे यार, एक तो झुका भी नहीं जाता है। मोटे कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मोटे ये क्या पहन लिया? अरे अर्थी उठानी है, उड़ानी नहीं है यार। कभी तो पहनने दिया कर पायलट वाली, 5 साल से नहीं पहनी है। तो मैंने कहा था केश ठोकने को, ऊपर से वो पेंट कलर से आई शेडो लगा रही। Hey guys, good morning. Welcome back to my vlog. Guys,
जस्ट अभी पीयूष और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, दाल चावल। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछे थे आप रोज रोज दाल चावल कैसे खा सकते हो, खुद ही पूछ रहे थे ना कब रोस्ट करोगे। पोहा भी खाते ले आ गया। क्या क्या बोला पीयूष? तो गाइस पीयूष ने फिर से कुछ मंबल किया है, एक बार इस बार ना ढंग से सुनते हैं। जोरदार मेरे को भूख लग रही है। गाइस पीयूष कह रहा है उसे अभी भी भूख लग रही है। अरे आपका आधा व्लॉग तो मेरी बातें रिपीट करने में चला जाता है। गाइस पीयूष कह रहा है हमारा आधा व्लॉग तो उसकी सारी बातें रिपीट करने में। बेटा सौरदा को थैंक यू बोलो इसके लिए, इस जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए। तो गाइस पीयूष ने अपना ब्रेकफास्ट पी लिया है, अब चलते हैं मोनू के फ्यूनरल पे। पर उससे पहले पीयूष को स्कूल छोड़ेंगे, और उससे भी पहले चाची के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, और उससे भी पहले पिछला वाला व्लॉग होगा। तो गाइस बहुत दिनों से चाची जी को सरप्राइज नहीं किया था, व्यूज कम हो रहे थे, तो आज चाची जी को सरप्राइज करते हैं। अरे देखो गाइस चाची जी आ गए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे दिन में? अरे चुप रहो। अरे चाची जी आपके लिए सरप्राइज है। अरे तो ये खोल दे, खोलो ना पहले, ये बांध दिया इन्होंने पता नहीं क्या। अरे ये लो। ये क्या है इतना बड़ा डब्बा? हाँ। यार एक्टिंग बड़ी मस्त की है दोनों फीमेल कैरेक्टर ने। चल ये तो तुमने मेरे को काम ही में लगा दिया। हाय ये तो एक और डब्बा है, तो खोलो शरारत मत कर, इसको तुमने सर पे चढ़ा दिया। अच्छा इधर दे दो, इधर सरप्राइज। अरे ये तो ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ इस पे चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या आप लोग सब कुछ? सरप्राइज चाची जी सरप्राइज, सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं कार्टन। सॉरी सॉरी, मैं ना आपको गांव भेज दूंगा। दोबारा कर ले, दोबारा चिपकाना पड़ेगा। अरे वाह सरप्राइज। मुझे भी चाहिए। अरे आपको पिछले हफ्ते तो दिया था। अरे उसका कलर व्हाइट है, मुझे कपड़े थे। ठीक है, और अगले हफ्ते चाचा जी को सरप्राइज देंगे। और मुझे तुझे अभी दी तो थी बिस्लेरी की बोतल, कितना गिफ्ट है। अरे पूरा कंटेंट उस पे है। ये देखो कॉफी बीन्स, एक बार चाची ने ये चने समझ के खा लिए थे, फिर पूरी रात भाग रही थी। गाइस ये देखो कॉटन, ये चाचा जी के नाभि से निकलते हैं, इसे हम कलेक्ट करते हैं। गाइस ये देखो अवार्ड, इसे मैं अगले हफ्ते पैक करके अनपैक करूंगा। गाइस ये देखो बाथरूम का दरवाजा, अंदर देखते हैं क्या है। अरे पीयूष चोद दिया, और अब तू मुझसे बोल रहा है कि मैं सैड क्यों? अबे जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है ना इसमें, उस हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए था पीयूष एंड सौरभ व्लॉग। मैं दो बार फेल हो चुका हूँ, मैं तेरे चक्कर में, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तेरे को एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग बनाने का मन करता है। अबे रट्टा मारने के 500 रीटेक दिए थे मैंने उस रात, मैं सो नहीं पाया, अगले दिन एग्जाम में सो गया, रिजल्ट आया, पापा मम्मी ने कूट दिया, और तूने भाई साहब उस कूटने का भी वीडियो बना दिया और टाइटल डाल दिया कि पीयूष की हुई ठुकाई, सैड इमोजी। तू चूतिया उतिया है क्या भाई? ये आदमी है ना एड रेवेन्यू के लाखों रुपए कमाता है, पर मेरे को ब्रेकफास्ट में देता है बिस्लरी की बोतल, हम लोग को दाल चावल खिला के यूट्यूब फैन फेस्ट में जाता है और खाता है रिजोटो फॉर्म वाला। अरे टट्टी में सब लोग बैठ जाते पर बोलते हैं वेलकम गाइस, हग रहा हूं मैं। अरे टीचर भी अब मुझे चूतिया का भाई बुलाने लग गया और ये बोल रहा है कि मैं सैड के हूं। तो एक बात बता भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सब्सक्राइबर्स आए, हेलो कह रहे, हेलो हेलो पीयूष देख कूद लगता है पीयूष स्कूल चला गया। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? गाइस माय गॉड, मोनू की नियत पे पहुंच चुके हैं, और पीछे मेरी बीवियां, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर
अरे यार, एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती, बीवी नंबर एक ये बीवी नंबर दो। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, हम कुछ उन्हें व्लॉग्स के रूल बता दे, जिससे कि हर 5 मिलियन सब्सक्राइबर एड होने पे एक नई बीवी आएगी, 6 घंटे में हमारे 1 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो एक नया बच्चा अनबॉक्स होगा। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा वापस अंजू के साथ होगा या नहीं। वैसे संग्राम जी इधर आइए। संग्राम, क्या हो गया बाबू? ये हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा मेकअप खराब है क्या? अरे मेकअप एकदम टिप टॉप है, बस इनका ना थोड़ा आईलाइन कम है। ये देखिए आप, जब इस पे +1 लिखा है तो 2 जन को एंट्री कैसे दे दें? जब मेरी 2 बीवियां हैं तो मैं +1 कैसे करूं? इन दोनों को वेल्ड करवा दूं? रोबोट थोड़ी है। कुछ बोलो। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। लग तो वही रहा है गाइस, हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, इंसान चैन से 2 बीवियां नहीं रख सकता। वाह, बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं? तो उन लोगों को मैं बता दूं, बेंचो थ्रीसम सुना है? थ्रीसम, अरे शान हो गया यार, मैं कॉन्डम खरीद खरीद के। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये मैकेनिकल गौरव जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा कॉन्टेंट खाने आया, साला कुत्ते की मैयत पे भी आ गया। टेक 2। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सारे उसके फैमिली में सब फैमिली खानदान जो भी है उसमें सब बना रहे हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ दुनिया की सबसे कॉस्टली सर्दी के सामने, जहाँ मोनू द डॉग का जनाजा जाने वाला है। आई एम नॉट श्योर ये ब्रांड कौन सा है, पर इसकी ग्लास छू के पता लग रहा है आपकी औकात के तो बाहर का ही है। दोस्तों यहाँ 4 मोमो भी पड़े हैं, टेस्ट करके बता दो कैसे हैं। अरे मैकेनिकल भाई, ये मोमो नहीं मोदक है। दोस्तों ये बिन प्लेन का पायलट मुझे मोमो और मोदक में फर्क समझा रहा है। मोनू के मोमो का मां चुराने। दोस्तों आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है ये प्रॉपर्टी। खरीद भाई, तू फ्यूनरल में आया है या? ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूं गरीबों। चूतिया जल्दी लगा इसे। दोस्तों हर ब्लॉग की तरह मैं इस ब्लॉग में भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो दोस्तों पैसा, ये लोग गरीब ब्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा। ये देखो गाइस, गरीब अपना पेट भर लेंगे मोनू की मैयत की मां चौधरी में। ये देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। ये देखो दोस्तों मैंने सोने की ब्रा भी पहनी हुई है। भैया आप तो बबला नहीं लग रहे हो। दोस्तों मैं इस चूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। अंबानी मेरे लोड़े पे, जी हाँ दोस्तों वो भी सोने का है। ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है। मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है, जग सोना सोना लागे दोस्तों। तो गाइस हम फाइनली सह परिवार मोनू के फ्यूनरल पे पहुंच चुके हैं, काफी सारी लाइटिंग कर रखी है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सौरभ आया हुआ है। अरे आंखें बंद, आंखें बंद। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ गौरव भी आए हुए हैं और गौरव भैया भी आए हुए हैं। अरे गौरव भैया कैसे हो? तो गाइस कमेंट करके बताओ सारे ब्लॉगर्स का नाम गौरव क्यों होता है, सौरभ क्यों नहीं होता? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे गौरव सौरभ चूतिया ब्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे। यूट्यूब का एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता है यहाँ 1 मिनट भी। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। लाइक शेयर करना है तो करो वरना मत करो। मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं, मां चुदाओ तुम लोग। आई एम द बेस्ट, मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग में। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। आप प्रोबो पे जाइए, अपनी नॉलेज से जाके डायरेक्टली। अभी अभी रुक जाओ, अभी नहीं वाला, नॉर्मल वाला। हाँ हम बता देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। अरे गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। कोकेन से बढ़िया चाय। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका पता, छू दे तो अमृत बन जाए शहर, असली चेहरा उसे सब है पता। क्या बात है, ये 4 लाइनें लास्ट की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। खैर ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना यार, अच्छे से अच्छे, बड़े जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं ठीक है, उनकी आज अच्छे से
उतारने वाली है, बहुत अच्छे से उतरी। भाई साहब मैं गेटअप की बात करूँ, यार क्या गेटअप पकड़ा है कैरी ने, सीरियसली मतलब गेटअप इतना ज़बरदस्त लिया है, चाहे वो सौरभ जोशी का हो ठीक, चाहे वो इसका हो, चाहे वो अलग अलग और व्लॉगर्स का हो, भाई साहब दो बीवियाँ हो हम कोई रोबोट थोड़ी ना है और रियल लाइफ में वो रोबोट ही हैं एक्चुअली में, जितना जो कहा जाता है उतना ही किया जाता है ना। हद है गाइस, यार क्या वीडियो थी, क्या वीडियो है भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई एक नए तरीके से रोस्ट हमें देखने को मिलेगा। ये पैरोडी रोस्ट ही था एक तरीके से, है ना, पैरोडी ही थी बट वो भी रोस्टिंग स्टाइल में, तो वो बहुत ज़्यादा गजब लगी मुझे, तो बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छा पार्ट सौरभ जोशी वाला भाई, वो खुद ही पूछ रहा था कि हाँ कैरी भाई कब कब मतलब मुझे कब रोस्ट कर रहे हो वो कह रहा इतना जहर मैं नहीं दे सकता ये क्या है भाई ये क्या है फिर उस जहर पे इन्होंने कहर बरसा दिया सीरियसली बहुत ही जबरदस्त था। पीयूष 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 की जो बड़क निकली है, ओ माय गॉड, साले तू एग्जाम प्रिपरेशन ब्लॉग, हग रहा है ब्लॉग, मूत रहा है ब्लॉग, खा रहा है ब्लॉग, उसको ब्रेकफास्ट के नाम पे बिस्लेरी की बोतल और चाची जी को वही पुराना दोबारा से दिया हुआ एप्पल का टैब, ओ माय गॉड भाई बहुत सही उतारी है कैरी यार, बहुत सही उतारी है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।